मेरी ख्वाहिश है मोदी जी के सामने अजान देना है। बोलो आमीन बोलो। मोदी जी सुनने के बाद बोलेंगे भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 2014 से पहले भारत की अजाने कैसी थी और अब कैसी है। खुश अंकल लड्डू खाने का इंतजाम भर दी किराए पेश कर रहा हूँ। हजरत से पूछिए क्या नौजवान है काम कर सकती है। आ जाओ भाई बारे मुस्तफा में रहमत का दर खुला है। दरबारे मुस्तफा में दरबारे मुस्तफा में मौलाना बशीरुल हक साहब के हवाले से आका की नवाजिशात पर ये शेर सुनिए। हक उनको दे रहा है, हक उनको दे रहा है, वो सबको दे रहे हैं। हक उनको दे रहा है, वो सबको दे रहे हैं। देने की इंतहा है दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से होंगे? अल्लाह आप सबको खैर वाकिफ से रखे। दोस्तों आज 17 मई 2023 है, तो आज एक गोका के करीब में एक देहात है जिसका नाम उंचाल है, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। मस्जिद की ओपनिंग, मस्जिद की इफ्तिताह है। इससे पहले संगी बुनियाद के टाइम पर मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर, तो अभी भी मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब को यहाँ पर बुलाया है। तो अभी तकरीबन 11:30 बज चुके हैं, अभी मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब गोकाक से तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी बेंगलुरु से गोकाक सुबह आकर वहाँ पर आराम कर रहे थे, तो अभी आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहे। यहाँ का थोड़ा मंजर और मस्जिद का नज़ारा आपको दिखाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।
दोस्तों अभी फिलहाल तो हम पहुंच चुके हैं निचार। यहाँ पर देख सकते हो पार्किंग का निज़ाम तो दूसरी तरफ है। यहाँ ये मस्जिद को जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर हमारे हफीज साहब उनका दुकान लगा हुआ है। ये अरबामी के हाफिज लाल साहब तो इन्होंने भी दुकान लगाया है। मजमा तो अभी बहुत कम है, इंशाल्लाह अनकरीब आ जाएगा। जोर तक प्रोग्राम है तो इनका दुकान है यहाँ पर। अरबामी में भी दुकान लगाते हैं ना सब, दुकान अरबामी में मस्जिद के पास, इनका मस्जिद के पास दुकान है। तो इनके पास अत्तर, टोपी, सुरमा, दस्तरखान, रुमाल, बुरके, ओढ़नी, हर चीज़ इनके पास मिलती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी दुकान लगा हुआ है, देख सकते हो। आप कहाँ के हजरत? मडलगी के। ये हमारे साथी मडलगी के, इनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दुकान कहाँ है तुम्हारा? मडलगी में। और हमारे हाफिज साहब के पास अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर बोले। 9880660970। 9880660970। दोस्तों ये नंबर है, ये नंबर पे कॉल करके उनसे रابطہ कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, टोपी, सुरमा, अत्तर, आपको दूल्हे के लिए अमामा वगैरह इनके पास मिलता है। तो इसी तरह इनका भी है। तुम्हारा दुकान है मुडलगी में, नंबर 9902754430। अगर मुडलगी के करीब है, अगर जमात में वगैरह जा चुके हैं मुडलगी, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर और एक दुकान लगा हुआ है, और भी बहुत सारे दुकानें हैं। तो तुम्हारा भी मुडलगी में दुकान? मुडलगी के अंदर दुकान है अभी सब का, मार्केट में दुकान है क्या? आपका मोबाइल नंबर, अगर मुडलगी में कोई जमात आए, कोई भी मुडलगी में, मुडलगी के अतराफ वाले लेना चाहते हैं तो उनके लिए 9036187391। भाई वो ये हजरत के अतराफ में अगर आप जमात में जाते हैं तो आपके लिए ये नंबर रहेगा, वहाँ पर जाकर उनसे कॉल करके उनसे रब्ता करके ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम जलसा गाह की तरफ चल रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहें। दोस्तों अभी हम अनकरीब पहुँच चुके हैं जलसा गाह की तरफ, और यहीं पे मस्जिद है जिसकी संगी बुनियाद हुई थी। अभी इफ्तिता भी होने जा रही है, आज ही से ये मस्जिद को शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम का पेंडल है, यहाँ पर तहारत बाथरूम वगैरह और आए हुए लोगों के लिए वजू खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। मजमा तो अभी थोड़ा कम है, इंशाल्लाह अनकरीब आ जाएगा। खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। ये पेंडल है, देखेंगे अभी मस्जिद के अंदर जाकर आपको दिखाएंगे। आमिर बर्तन मस्जिदी तरस्तन मदे, यहाँ पर माशाल्लाह पंडाल लगाकर खाने का इंतजाम किया गया है लोगों के लिए। खाने का इंतजाम है, अभी पहले मस्जिद के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। लोग गर्मी की वजह से मस्जिद के अंदर बैठे हैं। मस्जिद माशाल्लाह बहुत छोटी मस्जिद थी, अभी बहुत बेहतरीन मस्जिद बनाया है। हमारे हाफिज ख्वाजा साहब भी आकर बैठे हैं, माशाल्लाह ठंडक बहुत है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पीओपी किया गया है, यहाँ पे बहुत अच्छे अंदाज में किया है। देख सकते हैं।
हमारे बहुत सारे सखी बेटे हैं यहाँ पे। सलाम अलैकुम। अभी मजमा नहीं आया, मजमा आ रहा है। हाँ मौलाना कहाँ है अभी? हाँ बंदर मौलाना ना बंदर इलिया ये था भाई मस्जिद के अंदर का नजारा। अभी यहाँ पर एक रूम बनाया हुआ है और तहारत बाथरूम यहाँ पर है, आपको दिखाएंगे। वजू खाना वगैरह यहाँ पर है। यहाँ पर वजू खाना बनाया है, देख सकते हो। यहाँ पे वजू किया जाता है, यहाँ पर बाथरूम है सब बैठने के लिए, फारिग होने के लिए। और वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम वहाँ पर है। देखेंगे मौलाना आने के बाद में थोड़ा वीडियो बनाएंगे, बने रहे हैं हमारे साथ। ये प्रोग्राम का इश्तिहार है भाई, इफ्तिताह मस्जिद मदीना हुमसाल पीजी 17/5/2023 बरोज बुध 10 बजे तक 3:30 बजे तक। अभी मौलाना क्यों मजमिल सब तशरीफ ला चुके हैं। मैं मुसाफा करता हूँ। कैसा रहा सफर मोहन? अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम। अभी महंगा है।
संगी बनिया दादी हो गई जी, बहन होता था इधर ही इसी जगह पे होता था, मगरिब बाद था जी, मजमा बहुत था। कब जलसा? जहर के बाद या क्या है? 10 बजे से 3 बजे तक टाइमिंग थी। चलो बस ये आपको लास्ट का वगैरह चाहिए ना, तो कब पढ़ना मम सब ने Thank you.
खाने का इंतजाम भर दीजिए। किराए पेश कर रहा हूँ, हजरत से पूछिए क्या मैं रिश्ते से ज़्यादा दूर है। अगर कुर्सी ही नीचे रख करके मतलब ऐसे बैठे थे, कुर्सी नीचे रख करके वही कुर्सी से रख करके मजमा ऐसे बैठे तो इसके छोड़ छोड़ो। हाँ जिस तरह ठंडा है, हाँ वो ज़रा हाइट भी होती है, ऊपर स्टेज करने में बुरा लगता है। और जल्दी चलो, आप तमाम अगर आप चले शक्ल बनाओ वहां पर आते हैं लोग। चलो 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 चलिए नाम है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, खैरियत से? सोकर का बेटा आ चुका है यहाँ पे, रमेश सोकर। मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में।
रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में। मौलाना बशीरुल हक साहब के हवाले से आका की नवाजिशात पर ये शेर सुनिए। हक उनको दे रहा है, हक उनको दे रहा है, वो सबको दे रहे हैं। हक उनको दे रहा है, वो सबको दे रहे हैं। देने की इंतहा है दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में। देने की इंतहा है दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में। रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा। जिनको खुद की नमाज बराबर पढ़ना नहीं आता, वो कौम की नमाज क्या पढ़ाए। इमाम के पीछे खड़ना, उसके बाद फुकहा फरमाते हैं इमाम के पीछे बिल्कुल कोई बैठा है तो अंदर दाखिल होने वाला पीछे पहली सफ में जो इमाम के पीछे बैठा है उसके सीधे हाथ तरफ बैठे। समझ में आ रहा। अब और एक आदमी आया, उन्हें कहां बैठना, पीछे बैठा है नहीं, उसके बाएं तरफ बैठना। और एक आदमी आया, एक आदमी इधर बढ़िया तो एक आदमी इधर बढ़ना, एक आदमी इधर बढ़िया तो एक आदमी इधर बढ़ना। अगर इधर जगह है, इधर ही बैठना हक है, इधर बैठता है, फुकहा फरमाते हैं उसकी नमाज पूरी नमाज खाली जगह में तरतीब ना होने की वजह से मकरूह हो जाती है। कितने मौली साहब बैठे हैं, कूच कर देखो। यहां बैठना था उन्हें, वहां जाकर बैठ गया, नमाज मकरूह। जमात वाली नमाज का ये एहतमाम होता है, सफों को सुधारना, बैठना तरतीब से, बैठना दीन की बात को शौक से सुनना, तब जाकर अल्लाह तबारक व ताला हालात को बदलते। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, इस बिल्कुल सादे सीधे इलाके में। मुझे भी जहन में पड़ता नहीं कि मैं इसके संग बुनियाद के वक्त भी आया हूँ, नमा फरमा रहे हैं। ये मेरे लिए सादत की बात है कि इसकी इफ्तिताह में भी मुझे हाजिरी का मौका मिला है। लेकिन मस्जिद बनाना कमाल नहीं, मस्जिद आबाद करना। मस्जिदों को इख्तलाफात से बचाओ, सियासत से बचाओ, मस्जिदों का पूरा हक अदा करो। जोड़ते जुड़ाते दो चार जुमले, सबसे पहली बात हमेशा मस्जिद को पाक और साफ रखो, अंतहीरा बैतिया लिताहीर। दूसरा, मस्जिद की अजान खूबसूरत से खूबसूरत बेहतरीन रखो। गलत अजान का असर भी माहौल पर पड़ता है, अच्छी और सही अजान का असर भी माहौल पर पड़ता है। अच्छे नौजवान मौजन सामान को रखो, बेहतरीन अजान का इंतजाम करो। घर गेट आउट खबर वेलकम, ये उम्र के मौजना को रखो। मुंह में दाता नहीं बैलेंस, एक चढ़ को गाड़ी नीचे डाउन उतर रही है।
एक लफ्ज समझ में नहीं आता, क्या कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। या बाबा दरवाजा खिटखिटा कर तो अजान तो पहुंचाओ, ऐसी अच्छी अजान दो कि दुश्मन खाली अजान की आवाज और अंदाज को देख कर ये सोचे जिसकी दावत का ये मजा है तो दाई की मुलाकात का आलम क्या होगा। الله أكبر الله أكبر क्या मक्के मदीने में इतनी अच्छी अज़ा होना है, सुर गो कट में नहीं होना क्या? الله أكبر الله أكبر बन जाऊँ क्या मज़ा सा बन जाऊँ क्या बात है? अजान तुम्हारी मर्जी की होंगी, तनख्वाह मेरी मर्जी की होगी, अब भी चल जाओ जब तुम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह जारा नहीं आता, तुम्हें भी सीख सकते हैं जारा। माइक सिस्टम अच्छा हो, मौजन साहब अच्छे हो, अजान तो अच्छी है, देने का अंदाज देखो, दिलां बदल देंगे अल्लाह दुश्मनों के। मेरी ख्वाहिश है मोदी जी के सामने अजान देना हो, बोलो आमीन बोलो। मोदी जी सुनने के बाद बोलेंगे भाई बहनों मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 2014 से पहले भारत की अजानें कैसी थी और अब कैसी है। खुश अंकल लड्डू सोचेंगे नहीं सोचेंगे, फिर कौन दुश्मन होगा? वो बंबई का है ना दीवाना कोनो सोनू निगम, अजान से टेंशन करते हो ना, सही अजान सुना थी नहीं, मैं ट्यूट किया था भाई, तू जो अजान सुना है वाकई यतन हमको भी उस अजान पर अफसोस है, शर्म नहीं अफसोस है, तू अजान सुना नहीं वरना सुने बगैर तुझे नींद नहीं आएगी। क्या अजान हजरत हरमैन शरीफ में मक्के में, फिर अरब के इलाकों में क्या अजाना मालूम। मैं गया हूँ बहरेन, गया हूँ शारदा, दुबई, दुबई सिर्फ एयरपोर्ट को गया हूँ, बाहर उतरिया नहीं अल्लाह का फजल। बहरेन सादे सीधे मस्जिदों में भी क्या खूबसूरत अजान, मई का हजरत इतना दूर, हजरत मई के इतना दूर, मई भोजन साहब कार में आके उतरते यहाँ 2023 नहीं है, 2002 की पुरानी एक्टिवा, इतनी पुरानी हो कि चेतक से बदल रही हो। वो कैसा हजरत, चेतक को भी लात मारना, अभी से भी लात मारना स्टार्ट होने के वास्ते, वही सी जर्रा नवी गाड़ी में मोजर सब आगे, तो सबसे पहले कमेटी को पेट का दर्द, हमें देरी से तनख्वाह को ये एक्टिवा कहां से आई, जिब्रील ने को दी। हम ना कभी ख्वाहिश नहीं हमारा इमाम भी कार में आकर नमाज पढ़ा कर जाए, हमारा मुअज्जिन भी कार में आकर ठाक से आकर उतर कर अजान दे कर जाए। अल्लाह मई कार में आकर उतरती मुअज्जिन साहब, वो भी दरबान उतर को कार पार्किंग भी करते नहीं, बहरेन में मैंने देखा पार्किंग भी नहीं, खाली आंख उतरती उतर, फिर उनके कार में
मस्जिद का जो खादिम रहता है उन्हें बैठ कर पार्किंग में इन आते सीधा माइक में खड़े होकर रुमाल को सीधा करने को, क्या कड़क रुमाल रहता, क्या कड़क आवा रहता, जबरदस्त खुशबू मौजन साहब की, यहाँ के बड़े बड़े लीडर के पास नहीं जैसे खुशबू, अजान देते हुए अल्लाह अकबर, मजा आ जाता, मजा आ जाता। ये दूर रहता माइक, हमारे माइक का मस्जिद के मुंह के करीब नहीं, मुंह में ढकले को बयान कर, मुंह के करीब नहीं बोला, मुंह में रख ले को, वहां भी आवाज आती नहीं, इस क्राप को एडजस्ट कर को लगा गई। अच्छे रखो मस्जिद आके, मस्जिद आके अल्लाह के घर की हर चीज अच्छी हो। लंबी खींचो ने को आजान, कितना दम है कि उत्ता है आला सलो यहां से निकल को फ्लिट वहां गए तक आवाज आता नहीं, वैसा रखता अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। कैंप रखो रहता अजान सही देने का कैंप रखो, इन उलमा को बुलाकर मुअज्जिनों की तरबियत करके उनको असना तस्सीम करो, कितने मिनट में अजान शुरू हो को कितने मिनट पर खत्म करना। आपसे गुजारिश, आप मेरे बड़े हैं मौलाना बशीर साहब दामत बरकातुहु से, ये काम करो, मस्जिदों में अजान गलत हो रहे। मस्जिद में अजान की ओर से जगह खाली रही तो कमेटी वाले भी क्या पूछते हैं, अजान अच्छी देना आता, ये नहीं पूछते मैयता को नहलाने आता, मकसद क्या है, सवाल क्या है। मरिया सो आदमी मर गया तो बेटा नहलाता, मोजिन का काम नहीं नहलाना, अजान देना है, सही अजान आती क्या। जाओ भाई मौलाना जमशीद साहब दामत बरकातुहु के पास जाकर अजान देकर तुम्हें सही दिए कि गलत दिए कि एक सिफारिश लिखा ले कराओ, बोले तो अरे सुधरते हूं। अच्छी अजाने हो, इमाम साहब भी बेहतरीन, तनख्वाहें भी इतनी अच्छी रहना, खाली मोजिन साहब की तनख्वाह 35,000 रुपये रहना, देखो दम जाको दम आ रहा। मोजन साहब की तनख्वाह 35 का तो इमाम की 50-60। मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब दामत बरकातुहु अल्लाह सेहत अता फरमाए, एक तकरीर में फरमाया तुम इमामों की तनख्वाह बड़ा कर देखो, तुम्हारे पैसों में बरकत ना आई तो फिर मुझसे पूछना। हजरत कई जगह पर जाकर बढ़ाए हैं, उसके बाद वो मस्जिद में जितना आता था उससे ज्यादा आने लगा। मस्जिद वाले हजरत से मुलाकात की कि हजरत अजीब बात है, जब तनख्वाह 10,000 की थी तो चंदा भी उसी हिसाब का होता था, अब हमने 30-35,000 कर दिया, चंदा भी उसी हिसाब का हो रहा है। ये सब मस्जिद के अंदर का माहौल है, बहुत सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, मस्जिदों के अंदर का, बाहर का, हमारे अंदर का, बाहर का माहौल सुधरना है, सुधारेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी मस्जिद बातें हैं लेकिन वक्त का बहुत बड़ा तकाजा है, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में तफसील से बात करने का मौका मिले तो अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।